देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। रो रहा है? नहीं, वो जरा आंख में कचरा चला गया था, मैं अभी साफ करके आया। वहाँ का बेसिन आज ठीक करवाया है, इसलिए वहीं जाकर आंखें धोने की जरूरत नहीं है। बाथरूम यहाँ भी है। मार, लेकिन तेरी आंखों में कौन सा कचरा गया है ना, मुझे अच्छे से पता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस यहीं चुपचाप बैठ। तुझे जो भी चाहिए, सब कुछ यहीं ला कर दूंगी। माँ, मार, आप ऐसा क्यों ट्रीट कर रही है मुझे आप? अरे, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, तू तो बहुत समझदार हो गया है। इसीलिए कह रही हूँ, मुझसे बार बार वही बात मत कहलवा। जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, अब दोबारा से कोई गड़बड़ मत करना तू। माँ, मुझे जाने दो। जा, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, दोबारा उसके पीछे जाकर अगर उसे घर में वापस लाया ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। निरंजन, मंगल, तुम दोबारा वही किया तुमने, वही किया। लेकिन मैं, प्यार ही एक ऐसी चीज है निरंजन, जिसने मुझे तुमसे बांध कर रखा है। तब भी इसी प्यार के लिए मैं वापस आई थी, और अब भी 2 साल के बाद तुम्हारे प्यार के लिए मैं वापस आई हूँ। हर बार मेरा हाथ पकड़कर तुम मुझे घर में लाते हो, लेकिन उस हाथ को कस के पकड़ने का समय आ गया है, पर तुम हाथ छोड़ रहे हो। मंगल, मुझे आखिरी मौका है निरंजन। अगर इस बार भी तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे फिर से खो दोगे, हमेशा के लिए। रमा, 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 निरंजन, चल खाना खाने आ जा, जल्दी खा ले बेटा, आज मेरा तो उपवास है, तुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। गरम है, जल्दी खा ले, ठंडा होने के बाद वापस गरम नहीं करूंगी मैं। निरंजन, एक तो ये उपवास वगैरह आजकल मुझसे सहन ही नहीं होता, क्या कर रहा है ये निरंजन? क्या रे, कहाँ गया था?
हा? अरे कितनी बार कहा है तुझे, ऐसे बिना बताए घर से बाहर मत जाया कर। तुझसे अच्छे ना छोटे बच्चे होते हैं, घर में चलना सीखने के बावजूद घर से बाहर नहीं जाते। तुझे 10 बार चिल्ला कर कहा, धमकी दी, लेकिन नहीं, जब मन करेगा तब घर में आएगा, जब मन करेगा तब बाहर जाएगा। देख निरंजन, तेरी ये मनमानी मैं नहीं सहन करूंगी। इस घर में जो मैं कहूंगी वही होगा। मुझे बताए बिना इस घर के बाहर दोबारा पैर नहीं रखना, समझा? और शाम के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जाना। तुझे क्या चाहिए बताना, सब लाकर क्या करेंगी आप? हाँ? क्या करेंगी? निरंजन, आवाज ऊंची करके बात मत कर, माँ हूँ तेरी मैं। माँ? माँ इस शब्द को शोभा दे, ऐसा कुछ नहीं किया है आपने अपनी जिंदगी में। निरंजन, बच्चे के सुख में ही माँ का सुख होता है। आपका है? हाँ? आपसे कभी देखा गया है क्या मेरा सुख? एक तो जिंदगी में सुख नाम की कोई चीज आई ही नहीं, और अगर आई तो आपने उस चीज को बर्बाद करके रख दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया आपने मेरे सुख को, आनंद को, प्रेम को, मंगल को। और अब निरंजन, अरे ऐसे क्या गलत आरोप लगा रहा है मुझ पर? किसके लिए? हाँ, वो पराई औरत के लिए। पराई? कौन पराई? रमा? अरे लेकिन नहीं माँ, नहीं, अपने आपने हमेशा मुझे लेकर गलतियां की हैं, लेकिन इस बार आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं। रमा ही मंगल है और वो मेरे प्यार के खातिर वापस आई है, इसलिए रमा को मैं यहां लेकर आऊंगा मेरी बीवी बनाकर। हाँ बोल सिद्धार्थ। क्या? बीपी कितना है? बहुत लो है सर, अराउंड 52-70। अरे सिद्धार्थ, ही मुझे रास्ते पर बेहोश गिरी मिली, मैंने हाथ लगाया तो बेचारी का शरीर तप रहा था। ये स्ट्रेस या ट्रॉमा का लक्षण है, लेकिन क्यों या किस लिए ये नहीं बोल सकते। रमा, रमा, रमा क्या हुआ है तुम्हें? रमा, रमा तुम ठीक हो ना? रमा, वो अभी तक होश में नहीं आई है और अभी उसे आराम की बहुत जरूरत है, सो डोंट डिस्टर्ब। अब लेकिन उसे हुआ क्या है? ये मेरे से अच्छा आप बता सकते हो भैया, आप इसकी मदद करने वाले थे ना, इनका ख्याल रखने वाले थे, तो ये रास्ते पर क्यों गिरी हुई? यही मेरी मंगल है।
क्या? हाँ सिद्धार्थ, यही मेरी मंगल है, मेरी मंगल। भैया हम बाहर जाकर बात करते हैं, चलिए आइए ना, बाहर आइए ना, चलिए चलिए ना। तुम पागल हो गए हो क्या भैया, क्या बोल रहे हो? पागल था मैं, पागल था मैं मंगल को पहचान नहीं पाया। उसने 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 कई बार मुझे एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन अब नहीं, अब मेरी आंखें खुल गई है। भैया प्लीज स्टॉप द नॉनसेंस प्लीज, और अभी मेरी बात सुनो। ये मंगल भाभी नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, ये रमा है, रमा अभय पोद्दार। तुम्हें ये बात कभी जचेगी नहीं, पर मैं तुम्हें कन्विंस करके रहूंगा। वो मंगल है, और ये मैं प्रूफ किए बिना अब चुप नहीं बैठूंगा। से मंगल दी लग रही है, कुछ भी बोलता है सर का भाई। हाँ, वैसे मुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ था उन पर, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। अरे ये अगर मंगल हुई तो चलो यहाँ से अपना काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें मंगल के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। चलो चलो चलो। हो कैसे सकता है? मतलब निरंजन भैया को ये लग रहा है कि रमा ही मंगल भाभी है। This is not just possible, यार। मुझे ना ये सब सुनकर दो बातों पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। कौन सी दो बातें? देखो, पहली बात ये कि रमा ही मंगल भाभी है, ये सब झूठ है। इसीलिए तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। मतलब मैंने पुनर्जन्म के बारे में सुना है, लेकिन दिस इज मैडनेस। हाँ, और यही तो चिंता की बात है। मंगल भाभी के जाने के बाद वो बहुत दुखी हो गया था, ही वॉज वेरी डिप्रेस। फिर रमा उसकी जिंदगी में आई, ये मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया। मुझे लगा कि रमा के जरिए ही सही, लेकिन वो मंगल भाभी के ख्यालों से बाहर आ जाएगा। लेकिन अब कुछ और ही हो गया। मंगल भाभी कैसे गई थी, उन्हें हुआ क्या था? एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट। निरंजन भैया का कहना है कि वो प्रूव करके दिखाएगा कि रमा ही मंगल है। पागल जैसा बर्ताव करने लगा है, और उसे इन सब से बाहर निकालने के लिए मुझे भी प्रूव करना होगा। क्या? कि रमा मंगल नहीं है। रमा का खुद का एक पास्ट है, एक अतीत है, और वो ढूंढे बिना मैं चुप नहीं बैठूंगा। निरंजन, आज फिर सिद्धार्थ से झगड़ा हुआ, पता है मुझे। मैं जो सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर
उस पर कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? मेरी बात पर कोई भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? मतलब सिद्धार्थ से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं वापस आऊंगी ऐसा लगता था। अरे हमारी जिंदगी में ऐसी ही चीजें होती हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा होगा और वो होती ही रहेंगी। ये सब क्या है? किस लिए है ये? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। शांत हो जाओ, मेरा हाथ जोर से पकड़ कर रखो और आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। निरंजन, क्या हुआ मैडम? कौन हो तुम और मुझे यहाँ कौन लाया? आप शांत हो जाइए मैडम, ये हॉस्पिटल है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? एक मिनट, नहीं मुझे यहाँ से जाना है। छोड़ो मुझे। रिलैक्स, तुम मेरे हॉस्पिटल में। पर निरंजन कहाँ है? वो आकर गया है, मिलकर गया। मुझे जाना है यहाँ से। कहता हूँ वापस आने के लिए, वो आएगा। ओके? नहीं, वो नहीं आएगा। मुझे जाना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफी मांगनी है उससे। मुझे जाना। रमा, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर तुम्हारा कोई नहीं है। उन लोगों को अगर तुम्हारी चिंता होती तो तुम्हारी यह हालत ना होती। तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हें फिर से वहीं पर जाना है? नहीं, नो वे। तुम यहीं रहोगी मेरे हॉस्पिटल में, और वहां से ज्यादा तुम यहां सेफ हो, कंफर्टेबल हो मेरे नजरों के सामने। तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं वो मैं देखूंगा, तुम्हें मैं ठीक करूंगा, और तुम्हारा खोया हुआ घर मैं ढूंढ कर निकालूंगा। लेकिन तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। तुम इतना कुछ करोगे मेरे लिए? हाँ रमा, मैं हूं तुम्हारे लिए। अरे वो सभी नहीं, हम सब लोग हैं ना आपके लिए। सो डोंट। सिद्धार्थ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या मतलब? तुमने कहा और वो रुक गई। अच्छा है ना, फिर उसमें अजीब क्या है? नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे ना कुछ ऑड लग रहा है। ऑड क्या है? उसे मेरा कहना सही लगा होगा इसलिए उसने सुना। नहीं यार, लेकिन तुमने कहा और उसने एक बार में ही कैसे सुन लिया? प्रियंका, व्हाट्स योर पॉइंट? तुम्हें पक्का क्या कहना है? द पॉइंट इज दैट जिस नजर से वो तुम्हें देख रही थी ना सिद्धार्थ, वो मुझे क्या? कुछ नहीं, आई थिंक आई शुड गेट होम। प्रियंका,
प्रियंका, आई नीड यू। मुझे तुम्हारी जरूरत है ये सब छुड़ाने के लिए। मुझे उसका घर ढूंढना है, लेकिन उसी के साथ हमारे घर को भी बचाना है। मौसी की, निरंजन भैया की जिंदगी पहले जैसी करनी है। तो ये पॉइंटलेस ख्यालों के बारे में सोचने से अच्छा है कि तुम ये सोचो कि जल्द से जल्द हम इससे बाहर कैसे आएंगे। देखो, यहाँ लोग ड्यूटी करने का पगार लेते हैं और ये ड्यूटी करने का पगार लेती है। ए हीरोइन, ए बंदर, निकलना, तू जाकर अपना काम करना। हाँ? नहीं, मैं तो मेरा काम कर ही रहा हूँ, लेकिन तुम भी अपना काम करो, यही अच्छा होगा। याद है ना, या निकाल दिया दिमाग से? मुझे सब कुछ याद रहता है। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है। ए चुप, बड़ा कहावत सुना रहा है, और क्या काम बचा है वो बता। अरे तुमसे सर ने बोला था ना कि उस पेशेंट को एक एक घंटे के बाद चेक करना है। अच्छा, वो काम, वो तो मैं करने ही वाली थी। लेकिन ये सुमन, सच बताना, डर लगता है ना उसके रूम में जाने के लिए? अब डर किसका, मैं क्यों डरूंगी? मुझे तो ये भूत भूत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मतलब सोच लो, अगर तुम उसे चेक करने के लिए उसके कमरे में गई है और उसका पल्स चेक करते करते तुम्हारे हाथ उसने ऐसे दिया तो पागल, हाथ छोड़ मेरा। डर के मारे पीली हो गई ना। डर गई। मैं बिल्कुल भी डरती वरती नहीं हूँ, और तुम तो महेश हो, मैं तुमसे क्यों डरूंगी? मंगल, लेकिन वो मंगल है, मंगल, मंगल की आत्मा। डर गई ना पगली। अरे कहाँ गया था? बाहर जाने से पहले बोलकर नहीं जा सकता? लोगों के पास जो पेइंग गेस्ट रहते हैं ना, वो भी उन्हें बोलकर बाहर जाते हैं। कहाँ जाने वाले हैं, कब आने वाले हैं? तू तो मेरा बेटा है ना, तो हाँ, और ऊपर से तेरा कॉल नहीं लगता, जानबूझकर बंद करके रखता है ना, ताकि माँ की कोई किटकिट ना हो। निरंजन, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अरे मुझे कोई शौक नहीं है ये सब करने का। अरे अगर बोल कर जाता तो क्या मैं रोक देती तुझे? निरंजन, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देता मेरे सवाल का? पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को, घर वापस आ गया है, यही बड़ी बात है। नसीब कि अकेले वापस आया है, मुझे लगा कि कहीं उस औरत को वापस घर न ले आए ये। ए महेश। हाँ? महेश, क्या है? तेरा टाइम पास बंद कर, पहले उस नई औरत को जाकर देख रहा। डोंट वरी सिस्टर, हमने एक इंसान को भेजा है। इंसान? अरे मतलब औरत। अरे सुमन को भेजा है उसे देखने के लिए, अकेली को। हाँ तो, और तुझे क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ जाने में? मतलब आप भी डरती हो ना उस औरत से, हैं? मैंने उसे भी डरा दिया। सॉलिड डर गई थी वह। ए, भूत भूत में मैं विश्वास नहीं करती, पर एक बात कहूँ, उस औरत में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये कंफर्म है। चल। अरे क्या हुआ? मैं चलती। बैठिए ना, सुनिए, अपना वो गाने वार्ड बॉय है ना, मेरे को बता रहा था कि उसके गाँव में ना ऐसे पर काया प्रवेश के बहुत किस्से होते हैं। बता रहा था कि एक आत्मा होती है, किसी शरीर को पकड़ लेती है, उसमें प्रवेश कर जाती है। कहीं वैसे ही उस औरत के अंदर मंगल की आत्मा तो प्रवेश नहीं कर गई ना? क्या हुआ? हा? आप मुझे डरा रही है ना? वो क्या मेरे पीछे खड़ी है? मेरी बिल्ली मुझे ही मियाँ, मुझे पता है पीछे कोई नहीं है। सॉरी सॉरी। कैसे घुसती है आत्मा बॉडी में? सॉरी सर। बताना, ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ लोगों की ट्रीटमेंट की जाती है, उनका भरोसा होता है हम पर,
पर अगर हमने ही ऐसे फालतू बातों पे विश्वास किया तो वो आएंगे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और सिस्टर, आपसे भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप भी इसे सपोर्ट कर रही हैं, उसकी बातें सुन रही हैं। नहीं सर, मैं दरअसल वो आपके भाई कह रहे थे इसलिए मैं। वो क्या करना चाहता है उसे खुद पता नहीं, पर हमें तो समझ में आता है ना, हम मेडिकल फील्ड में हैं, मेडिकल साइंस, और साइंस में ऐसी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। यस सर। यस सर। रमा हमारी पेशेंट है, उसकी ट्रीटमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है, पर अगर आपसे नहीं हो रहा है देन यू आर फ्री टू लीव दिस हॉस्पिटल राइट नाउ। नहीं सर, सॉरी। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। कहते हैं कि भूत है ये, भूत के ऐसे रात को आराम से सोते रहते हैं। मेरा तो भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तू अगर भूत होती ना तो तू उठ जाएगी। उठ ए उठ, उठ ना। कुछ भी कहते हैं भूत। दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो, किसने बंद किया? क्या करूं? रेंज भी नहीं है इसमें। महेश, बैठे दीदी। महेश, बैठे दीदी, बचाओ कोई तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ए, सर उठिए ना सर, सर एक इमरजेंसी है सर, प्लीज उठिए ना सर, इमरजेंसी है प्लीज सर, उठिए ना सर।
प्लीज सर उठिए ना। सर सॉरी सर, वो गलती से आंख लग गई थी सर। अरे सॉरी किस लिए, चल इमरजेंसी है ये सुनकर उठ तो गया ना तू। हाँ समय लगा उठने के लिए, लेकिन उठा ये जरूरी है। सॉरी सर, सच में सॉरी सर। एनीवे रमा पोद्दार का क्या अपडेट है? मैंने कहा था ना हर घंटे उसे चेक करते रहने के लिए, याद है ना या भूल गए? नहीं सर, वो कल रात में चाइल्ड केयर वार्ड में था, क्योंकि वो सर जब से बच्चा चोरी हुआ है मैं और गानिया वहीं पे रहते हैं। या दैट्स राइट, तो किसी ने चेक किया है या नहीं? नहीं सर। हाँ सर, वो सुमन, सुमन थी उसके ड्यूटी पर सर, उसने हर घंटे पे चेक किया उसे। नाउ दैट्स गुड। बाय द वे सुमन कहाँ है? हमेशा नाइट शिफ्ट के बाद रिसेप्शन पर रहती है, आज दिखाई नहीं दे रही। नहीं सर, वो घर नहीं गई होगी सर, अभी भी होगी। नहीं मतलब वो गई होगी शायद। हाँ सर गई होगी, मुझे भी पक्का पता नहीं है सर। और अगर सुमन मिली या कांटेक्ट हुआ तो उससे कहना मुझसे मिलकर जाने के लिए। ठीक है सर। और आगे से अगर रेस्ट करना हो तो स्टाफ रूम में करना, यहाँ लॉबी में नहीं। जी। गुड मॉर्निंग रमा। अरे गुड मॉर्निंग, आ गए तुम। सो अभी कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा, फ्रेश लग रहा है। नींद आई कि नहीं? आई ना, क्यों नहीं आएगी? नहीं, आजकल लोगों को हॉस्पिटल में जल्दी नींद नहीं आती ना, इसलिए पूछा। मुझे जब से अपना घर नहीं मिल रहा है तब से कहीं भी एडजस्ट करने की आदत हो गई है, और तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तो क्यों नहीं आएगी अच्छी नींद मुझे? और तुम्हारा स्टाफ? स्टाफ का क्या? अच्छा है, खूब अच्छा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई मुझे किसी भी बात की। ग्लैड टू हियर दैट। अब चाय कॉफी कुछ ली कि नहीं? नहीं, ठीक है चलेगा। अरे ऐसे कैसे, मैं भेजता हूँ। अब चाय चलेगी? ढाबा है क्या ये? ओके। और बाकी कुछ नहीं। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ तुम जाओ, तुम्हें काफी काम होगा ना, मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। ओके। निरंजन चाय लाई हूँ। बाथरूम में है क्या तू? बिन बताए जाने की आदत पता नहीं कब जाएगी इस लड़के की। चादर भी फोल्ड करके नहीं रख सकता, और करेगा भी क्यों, माँ है ना सब कर। कम इन सर। कम इन सर। कंग्रेचुलेशन सर। किस लिए सर? वो 14 तारीख को जो आपकी सर्जरी थी ना, वो अब नहीं होगी। हाँ पर कंग्रेचुलेशन किस लिए? उसी के लिए ना सर, मतलब क्या है कि 14 तारीख को आप अपने एंगेजमेंट के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तुम हो? I'm sorry, मैं थोड़ा काम में बिजी था। कुछ नया बताओ। एक मिनट सर, मैंने इतना सब कुछ बोला
तुमने देखा नहीं वो तो ठीक है लेकिन मेरी आवाज भी नहीं पहचाने तुम. Now that's really mean, okay? I'm sorry. You should be. By the way, Dad 14 तारीख के लिए राजी हो गए हैं. अरे वाह, सुबह सुबह गुड न्यूज. You know what? गुड न्यूज नहीं, बैड कहो. क्योंकि मैं ही ना सबको मना करने वाली हूँ. अब क्या हो गया? क्या हुआ मतलब, लुक एट यू, तुम्हारा प्यार कम हो गया है. सो बाय. ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा कभी होगा क्या? नहीं हुआ. ओके, प्रूव इट देन. किस मी राइट नाउ. व्हाट? यहाँ पे. राइट नाउ. कुछ भी. कितना शर्मा रहे हो ना तुम. अच्छा क्या काम कर रहे हो? ह्यूमन साइकोलॉजी. रमा के लिए. Why? Is she all right? Actually more than all right. मतलब? कल तक भैया का नाम लेते ही रोने वाली औरत आज अचानक खुश है. Normally as if कुछ हुआ ही ना हो. भैया की कोई बात नहीं. But I don't see a problem. कल ही तो तुमने मुझसे कहा था कि इट्स बेटर अगर भैया उनसे दूर हो गए तो. और अगर आज वो भैया के बारे में बात नहीं कर रहे. Isn't it really good? I mean, अब तुम्हें उसमें क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब है. वेरी वेरी स्ट्रेंज. ऐसा लग रहा है कि किसी की मदद लेनी पड़ेगी. किसकी? सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर देव. साहब और कितना खोदना है? अरे तू रुक मत. मैं जब तक ना बोलूं तब तक तू रुकना मत. तू कर जल्दी कर. अरे साहब लेकिन इतना खोदना ही क्यों है? खजाना है क्या अंदर? तुझे तेरे काम के चौगुना पैसे दे रहा हूँ मैं. मैंने कहा है ना तुझसे? हाँ. कहा है कि नहीं? हाँ. तो चल चल जल्दी जल्दी कर. रुक मत, जल्दी कर. यहाँ किसी के आने से पहले हमें काम खत्म करना है. जल्दी कर जल्दी कर. अरे कब आई तुम? अभी आई. सुमन को देखा क्या? नहीं देखा. ठीक. धनश्री, सुमन को देखा क्या तुमने? नहीं देखा. क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं, ठीक है, मैं देखती हूँ उसे. महेश. हाँ? सुमन को देखा क्या? नहीं, मतलब आप भी सुमन को ही ढूंढ रही हैं क्या? अरे मेरे हाथ के बने रसे वाले पोहे उससे पसंद है ना. हाँ? वो लाई थी इसीलिए ढूंढ रही थी उसे. सोचा गर्म गर्म है तो वो खा लेगी. अच्छा. और मैं भी, मतलब और कौन ढूंढ रहा है उसे? उसका पति. क्यों? उसका फोन आया था मुझे. उसने कहा कि उसका फोन नहीं लग रहा है, वो अभी तक घर नहीं लौटी है. अरे वाह वाह वाह, कितना प्यार. नई नई शादी हुई है इसलिए इतना उतावला हो रहा है वो. साल दो साल होने के बाद देखना. अरे मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है. अरे ऐसा ही है. उसे कहना वो नाइट शिफ्ट पर थी. डे वाला जब तक नहीं आ जाता तब तक उसे नहीं छोड़ सकते. अरे मतलब वो काम पर रहेगी तब ना. मतलब? अरे वो ना यहाँ पर है और ना ही घर पे गई है मैडम. और उसे यहाँ से घर जाने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं और अब तक 3 घंटे हो चुके हैं. क्या कह रहे हो तुम? अरे मैंने 4 बार पूरा हॉस्पिटल छान मारा है, वो मुझे कहीं पर नहीं मिली. सीसीटीवी फुटेज देखा क्या? नहीं ना, उसके लिए तो मैं आपकी राह देख रहा था. चल देखते हैं चल. अरे मैत्रिणी, कल रात का सीसीटीवी फुटेज दिखा सकती हो क्या? ओके एक मिनट. हाँ. कहाँ गया? देखिए सिस्टर. रुक रुक रुक. क्या साहब, इतना खोदा और यहाँ से मिला क्या?
लेडीज चप्पल ना ही आपके काम का और ना ही मेरे। ये देखिए सर, कल रात को 10:30 और 11 के बीच में सुमन बाथरूम में गई थी। अरे अचानक से ये क्या हो गया? कुछ नहीं सर, वो वैसा ही है, अपने आप हुआ है। अपने आप मतलब? मतलब उसके अंदर जाने के बाद कुछ समय के लिए कैमरास को कुछ हुआ, बाकी हॉस्पिटल के सारे कैमरास ओके हैं, वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ यहाँ की फुटेज ब्लैंक है। लेकिन किस वजह से? वो नहीं पता सर। अरे अगर कैमरा फॉल्टी है तो बताना चाहिए था ना, हमने रिप्लेस कर दिया होता। नहीं सर, कैमरा ओके है, ऐसा पहली बार हुआ है, इसके पहले मैंने ऐसा कुछ होते कभी नहीं देखा। ठीक है, आगे। अभी ये नेक्स्ट डे है, इसमें सुमन अंदर से बाहर आई हुई कहीं पर नहीं दिखी, डायरेक्ट सुबह महेश दिख रहा है जिसने बाथरूम खोला और अंदर गया। नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैं बस अंदर गया था, लेकिन वहाँ अंदर कोई भी नहीं था सर। सुमन अंदर गई पर बाहर नहीं आई, अंदर गई तो अंदर भी नहीं थी, तो वो गई कहाँ? तुम्हारा स्टाफ? स्टाफ का क्या? अच्छा है, खूब अच्छा है। रमा की रेगुलर चेकअप सुमन ही कर रही थी, का मतलब सुमन के गायब होने में कहीं रमा का हाथ तो नहीं?